रोमन रेन्स ल्यूकेमिया की बीमारी से पहले भी जूझ चुके थे और उनके इस इतिहास के बारे में उनके साथी रेसलर और फैंस एकदम अनजान थे। लेकिन ट्रिपल एच उनकी इस बीमारी के बारे में पहले से जानते थे। रोमन रायंस और उनकी ल्यूकीमिया बीमारी के बारे में अभी भी बहुत से खुलासे होने बाकी है। पिछले कई दिनों में रोमन और उनकी बीमारी के बारे में काफी चर्चा की गई और अब ट्रिपल एच ने अपने हाल ही में दिए इंटरव्यू में उनकी बीमारी के बारे में कुछ बातें कही हैं। जब आप जिंदगी के लिए प्लान्स बनाने में व्यस्त होते हैं तभी जिंदगी होती है। आप जो सोचते हैं या जो योजना बनाते हैं सब कुछ उसके मुताबिक नहीं होता। आपकी बीमारी वापस आ गई है और दर्शकों को बताने का यही सही वक्त है। ट्रिपल एच ने पहली बार न्यूयॉर्क के एल्विस ड्यूरन शो में दस्तक दी और इंटरव्यू में रोमन की बीमारी पर अपना बयान दिया। ट्रिपल एच ने बताया कि रोमन चाहते थे कि उनकी बीमारी कम से कम लोगों को पता चले। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने और रोमन ने इस बारे में बात की। ये कुछ ऐसा है जिसे रोमन बताना नहीं चाहता था। तब तक जब तक वह अपने करियर के टॉप पर नहीं पहुंच जाता वह नहीं चाहता था कि दर्शक ऐसा समझे कि उसे अपने करियर का ये मुकाम अपनी बीमारी की वजह से दिया गया है। वह चाहता था कि वो अपनी बीमारी से लड़े और दर्शकों के सामने गर्व से कह सके कि देखिए मैंने इस बीमारी को जीत लिया है और इसी तरह आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और आप जानते हैं ये अंत नहीं है। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।